अस्सलाम वालेकुम मेरा मिश्रा, आप सबका बहुत ही ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। आज अम्मी मेरी अम्मी का फेवरेट इमरान खान, उनकी आपकी अदालत में उनका इंटरव्यू हम देखने वाले हैं। अम्मी आपका फेवरेट है? नो लेकिन इंडियंस को भाई इमरान खान बहुत ज्यादा पसंद है, पाकिस्तानी भी उसके दीवाने हैं। लेकिन आज भाई हम नहीं है, लेकिन उनका आपकी अदालत में इंटरव्यू में भी उन्होंने कोई अच्छी बातें की हूँ, ऐसा करते हैं उनसे उनका इंटरव्यू देख लेते हैं। काफी 6 साल पुराना इंटरव्यू है, लेकिन देखते हैं, सोच तो तब भी वैसी थी और अब भी इनके वैसी ही है। तो ऐसा करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, देखते हैं। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में हर हफ्ते हम पेश करते हैं आपकी और हमारी दुनिया के ऊंचे लोगों को, बड़े लोगों को। हम नेताओं से उनके काम की सफाई मांगते हैं, सेलिब्रिटीज से, स्टार से उनके काम का हिसाब किताब मांगते हैं, उन पर इल्जाम लगाते हैं। और जब कोई स्टार नेता बन जाता है, सियासत में उतरता है, तो मुकदमा और भी संगीन हो जाता है। पेश है आज का मुकदमा आपकी अदालत में। पाकिस्तान की तहरीके इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान आपकी अदालत में हाजिर हो। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में, पहला इल्जाम इमरान खान पर। आपकी अदालत में इमरान खान पर इल्जाम है कि इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। इमरान साहब, जो खबरें पाकिस्तान से यहाँ तक पहुँचती हैं, उससे पता चलता है कि आजकल नौजवानों को बहुत उपदेश देते हैं, प्रीच करते हैं, कैसे फैमिली वैल्यूज पर ध्यान देना चाहिए। ये बात सही है? कभी कभी, लेकिन आप जो लोगों को बताते हैं वो अपने ऊपर तो आपने इम्प्लीमेंट किया नहीं। जब आप नौजवान थे तब आपने क्या क्या हरकतें की थी, जब आप लंदन में रहते थे, उसका चिट्ठा तो लोगों को मालूम ही होगा। देखिए, इसलिए मेरी तरह का आदमी ज्यादा बेहतर बता सकता है, क्योंकि जिसने कभी ना मगरब देखा हो, ना उसने किसी फेज से गुजरा हो, वो कैसे लोगों को बता सकता है। मेरी तरह का आदमी जिसने सारे फेजेस देखे, जिसने मगरब के कल्चर को बड़े करीब से देखा, जो मगरब में अपनाया गया, और जिसने फिर दो कल्चर को एनालाइज किया, उनकी ताकत देखी, उनकी कमजोरियां देखी, तो मेरी तरह का आदमी ज्यादा क्वालिफाइड है नौजवानों को बताने के लिए कि उनको किस चीज से बचना चाहिए, किस चीज के ऊपर गौर करना चाहिए। एक बंदरों की तरह किसी और कल्चर को कॉपी नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे से, मैं समझता हूँ, नौजवान ज्यादा सुनेंगे बजाय उसके जिसको पता ही नहीं। मगर लेकिन आपको भी बताया था, जब आप लंदन जा रहे थे 20 साल की उम्र में, तो आपकी माँ ने आपको कहा था कि बेटा ये जो गोरी मेम है इनसे दूर रहना। मेरी वालदा ने सिर्फ ये कहा था कि पाकिस्तानी औरत से शादी करना, और वो इसलिए उसने कहा था कि वो, मेरी वालदा चाहती थी मैं पाकिस्तान में रहूं। उनको ये खतरा था कि अगर मैं इंग्लैंड में शादी करता हूं तो मैं अपना मुल्क छोड़ के इंग्लैंड इसलिए चला जाऊंगा क्योंकि मेरी बीवी पाकिस्तान में नहीं रह सकेगी। लेकिन हुआ ये कि हर रोज आपका जो घर है वो डिस्कोथीक बन गया था, एक तरह का लिविंग रूम, वहीं रहते थे। जो टी शर्ट पहनते थे उस पर लिखा होता था बिग बॉयज प्ले एट नाइट। मेरा कभी भी मेरा लिविंग रूम डिस्कोटेक कभी भी नहीं बना। और बिग बॉयज प्ले एट नाइट की टी शर्ट, वो असल में हम उन दिनों में वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट खेलते थे कैरी पैकर की ऑस्ट्रेलिया में, वो हमें सबको, उन्होंने वो नाइट क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने टी शर्ट्स दी। लेकिन बहुत सारी ऐसी हरकतें थी जो टी शर्ट पर लिखी नहीं होती थी। देखिए, ये तो अब आपका जो इमेजिनेशन है ये ज्यादा आगे जा रहा है। जो भी हरकतें होंगी, कोई ऐसी, मैं एक नॉर्मल अपने जमाने का नौजवान था, और कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि जो मैं कोई प्ले बॉय हूँ या ये मीडिया में।
लेकिन आपकी मजबूरी होती है, आप मीडिया में, आपको प्रोजेक्ट करना होता है, आपको चैनल्स अपने लोगों को दिखानी होती है, अखबार बेचने होते हैं। ये खबरें छपती थी, आपको बहुत मजा आता था। मैं ये देखो, ये मैं कभी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता था, लेकिन मैं तो माना नहीं, कुछ तो माना जी। बहुत सारे नाम आपके साथ ब्रिटिश मीडिया ने जोड़े थे, बहुत लंबी लिस्ट है। एमा सर्जेंट का नाम आपके साथ जुड़ा, लुलू ब्लेकर का नाम आपके साथ जुड़ा, सुसन का नाम आपके साथ जुड़ा, गोल्डी हॉर्न फिल्म स्टार का नाम आपके साथ जुड़ा, मेरी हल्किन का नाम आपके साथ जुड़ा, आपको याद आ रहे होंगे कि करके ये सब, लिजा कैम्बल का नाम आपके साथ जुड़ा, टीवी स्टार अनास्तासिया कुक, एमटीवी की क्रिस्टीन बेकर। अब कुछ तो सच होगा अगर इतने सारे नाम दिए हैं तो। ये तो भी आपने थोड़े गिने हैं। और ये वो नाम है जिनको किसी को भी मैं जानता था, वो आपने सारे नाम डाल दिए, मैं इसलिए कहा इससे ज्यादा लोगों को मैं जानता था। और इसी बिना पर जो कर्नल नसीम है पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, उन्होंने कहा कि हर शाम इनकी एक नई लड़की के साथ गुजरती थी इमरान की। ये कर्नल नसीम अपनी फैंटेसीज मेरे जीरे रहने की कोशिश कर रहे थे, उनकी उनकी ये फैंटेसी होगी, इसमें सच्चाई नहीं है। कोई और ठोस कोई सही इल्जाम लगाएं, ये क्या इल्जाम लगा रहे हैं इमरान साहब? ये सब वो इल्जाम है जो मीडिया में आपके ऊपर लगते रहे, पाकिस्तान की मीडिया में आप पर लगते रहे, ब्रिटेन के मीडिया में आप पर लगते रहे। मैं एक बैचलर था, ज्यादा क्रिकेट खेलता था, शादी नहीं थी, उस पर स्पेकुलेशन होती थी, किसी पार्टी में चला जाऊं, किसी से नजर आ जाऊं, तो ये सारी चीजें जो आप नामों की लिस्ट दी है, इसके इसको क्या आदमी डिफेंड करे अपने आप को? लेकिन ये बात और मैं और ये इतनी पुरानी हम बातें कर रहे हैं कि ये मेरे मैं तो भूल भी चुका हूँ ये सब चीजें। कभी ना कभी किसी को तो याद दिलाना पड़ता है इमरान साहब। मेरा तो एक शादी से पहले का फेज था जो मैं भूल चुका हूँ, उसके बाद शादी के बाद का फेज है, उसको वो मुझे याद है, उसके ऊपर कोई बात करें। इमरान साहब, आपकी क्रिकेट को लेकर हमारे पास इल्जाम है, इन पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद में। ये मुकदमा जारी रहेगा एक छोटे ब्रेक के बाद। आपकी अदालत में आज कटघरे में मौजूद है पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान। आपकी अदालत में इमरान खान पर इल्जाम है कि इन्होंने क्रिकेट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। इमरान साहब, ये सही है कि क्रिकेट ने आपको सुपरस्टार बनाया, जनता ने आपको बहुत प्यार दिया, नौजवानों ने एक तरह से गॉड ऑफ क्रिकेट, खुदा समझा आपको, लेकिन आपने क्रिकेट के लिए क्या किया? क्रिकेट के लिए जब मैं प्लेयर था कोशिश की टीम को जिताने के लिए, जब मैं कैप्टन बना तो मुझे बड़ा फख्र है इस चीज में कि पाकिस्तान टीम जब मैं छोड़ के गया तो पाकिस्तान की बेहतरीन टीम थी और वो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम थी और जो वो 92 के बाद टीम थी वो दुनिया में उस वक्त नंबर वन टीम, टैलेंट के अंदर वो दुनिया की नंबर वन टीम थी। लेकिन जो आपके साथ खेलते थे उन्होंने कहा कि इमरान खान ने क्रिकेट में जो अपना करियर था उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए किया, अपना डोमिनेशन क्रिकेट पर बढ़ाने के लिए किया। मैंने 1987 के अंदर मैंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी और उसकी वजह यह थी कि मैं जो मेरा जो आग थी, जो जुनून था क्रिकेट में, वो खत्म हो गया था, यानी कि वो उस सतह पर नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पीक पर छोड़ूं, बजाय इसके कि मुझे कोई निकाल दे टीम से, मैं जब पीक पर हूं तो मैं क्रिकेट छोड़ूं। उसके बाद जनरल जिया ने मुझे पब्लिकली रिक्वेस्ट की कि टीम के अंदर वापस आओ, टीम को जरूरत है। तो मैं फिर टीम के लिए वापस आया और उसके बाद फिर मैं क्रिकेट छोड़ने का सोच रहा था, लेकिन तब तक मैंने कैंसर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट शुरू किया। तो कैंसर हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने, जो हमारे साथ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे, उन सब ने मुझे कहा कि अगर आप क्रिकेट से इस वक्त निकल जाएंगे तो आप इस हॉस्पिटल को बना नहीं सकेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको पब्लिक आय में रहना है, आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, और अगर आपके पास आप पब्लिक आय से निकल गए तो हम हॉस्पिटल के लिए जो इतना ज्यादा 70 करोड़ रुपया इकट्ठा करना था आप नहीं कर सकेंगे। लिहाजा उसके बाद मैं सिर्फ क्रिकेट खेला कैंसर हॉस्पिटल के लिए। जावेद मियादाद की किताब है ऑटोबायोग्राफी, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो प्लेयर्स हैं उन्होंने इमरान साहब का नाम मीटर रख दिया था, यानी वो मीटर जो सिर्फ पैसे से चलता है।
लिया। एक्चुअली तो उल्टा हुआ बात, ये जो आप कह रहे हैं मीटर की, कि असल में तो टीम जो तीन चार लड़के थे इसमें जो जो जिनको पैसे की लालच कहीं को ज्यादा होती है कहीं कम होती है, उनका यह ख्याल था कि वर्ल्ड कप में जो लोगों ने खुशी में पैसे देने थे टीम को, वो टीम के पैसे मैं हॉस्पिटल में ना ले जाऊं। दोनों ने इल्जाम लगाए, एक तो इल्जाम ये कि जब मैच खत्म हुआ तो जो जीती खुशी थी, जो खुमार था, उसमें आपने इस्तेमाल किया आपने कैंसर हॉस्पिटल को पब्लिसिटी देने के लिए। उस वक्त जो आपने स्पीच दी उसमें कहा कि मुझे कैंसर हॉस्पिटल के लिए मदद चाहिए। इसमें तो मुझे कोई शर्म है ही नहीं, क्योंकि मैं तो आपको अर्ज की कि मैं तो खेल ही हॉस्पिटल के लिए आता, और हॉस्पिटल नहीं, जात का हॉस्पिटल तो नहीं था, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल बनना था, तो मैं तो अपने मुल्क के लिए कर रहा था। तो मुझे तो इसमें कोई शर्म नहीं कि मैंने पब्लिसिटी दी, मैंने तो दो साल से पब्लिसिटी दे रहा था। मैं तो जब कोई प्राइज जीतता था मैं वो अपने हॉस्पिटल को देता था। मसलन ऑस्ट्रेलिया में मैं दो तीन साल पहले क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए, तो जान के मैंने क्रिकेटर ऑफ ईयर का जो गाड़ी का अवार्ड था वो हॉस्पिटल को डोनेट किया उसको प्रोजेक्ट करने के लिए। आप अपने अवार्ड हॉस्पिटल को दे दें किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनको लगा कि जब लौट रहे थे वापस सिंगापुर में रुके, सिंगापुर के एम्बेसडर ने एक चेक दिया, वो पूरी टीम के लिए चेक होना चाहिए था, उसने आपको भी, आपने उसको भी हॉस्पिटल में लगा दिया। जब मुझे ये ख्याल हुआ कि कई हमारे खिलाड़ियों में ये खदशा है कि मैं टीम का पैसा हॉस्पिटल में लगा रहा हूं, तब मैंने फैसला किया उसके बाद क्रिकेट खत्म करने का, क्योंकि उसके बाद मेरी तो फोकस हॉस्पिटल था और मैं तो क्रिकेट खेल ही रहा था और ये अनाउंस करके खेल रहा था हॉस्पिटल के लिए। तो इसमें तो कोई, लेकिन ये कहना कि मैं लड़कों का पैसा हॉस्पिटल में लगाऊं, ये तो कभी किसी सूरत में नहीं कर सकता था। और ये जो आप सिंगापुर की बात कर रहे हैं, वो एम्बेसडर अभी भी है, अब सिंगापुर में नहीं है, इस्लामाबाद में है, उसने पैसे हॉस्पिटल के लिए इकट्ठे किए थे। लेकिन लड़कों को इंप्रेशन जरूर लगा कि वो पैसा टीम के लिए था। कई लड़के लालची होते हैं और उनको ये पैसे के भूखे होते हैं, मैं ये कहूंगा बदकिस्मती ही है कि उन्होंने अपनी लालच के अंदर ये समझा कि मैंने उनका पैसा हॉस्पिटल को दिया, बिल्कुल गलत था। उन्होंने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि आपने बोर्ड ऑफिशियल्स के साथ मिल करके उनको क्रिकेट की कैप्टनशिप से हटवा दिया। ना मैं बोर्ड में ऑफिशियल थी, ना मैं बोर्ड का मेंबर था, क्या मैं बोर्ड को कह के उसको कैप्टन हटा सकता था? ये भी एक पैरानोया था और ये बदकिस्मती है कि मियादाद ने इस तरह की बातें लिखी। हालांकि मैं एक मेरे साथ मिलके वो हमारी बड़ी ज़बरदस्त हमारा कॉम्बिनेशन था, जावेद की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है टीम में, लेकिन ऐसी बातें लिखना मैं हैरान हूँ कि उसने किताब में ऐसी एक बड़ी, उसने उन्होंने स्पेसिफिक बात लिखी है कि इमरान खान ने हमारी टीम को तोड़ने की कोशिश की। जब आप कैप्टन थे तो आपने एक पार्टी की लंदन में, उस पार्टी में उन्होंने, आपने तीन लोगों को नहीं बुलाया, जावेद मियादाद को, रमीज राजा को और सलीम मलिक को, इनको छोड़ करके बाकी सारी टीम को आपने बुलाया। देखे ना, ये भी एक छोटा पान है, अगर इस तरह भी कोई सोचे कि टीम इस तरह टूट जाती है कि पार्टी में चार लड़के कोई चले जाए किसी और पार्टी में तो टीम टूट जाती है उससे। लेकिन आज आप मानते हैं कि आज के क्रिकेटर्स में, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में, क्रिकेटर्स का ज्यादा ध्यान एंडोर्समेंट पर, एडवर्टाइजमेंट पर रहता है बजाय इसके कि खेलने पर? अगर प्रोफेशनल क्रिकेटर है तो अगर वो एडवर्टाइजमेंट्स कर रहा है, स्पॉन्सरशिप कर रहा है, लेकिन अगर वो अपनी क्रिकेट के ऊपर भी फोकस्ड है तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। सौरव गांगुली ने 5 दिन टेस्ट मैच नहीं खेला ये कहकर के उनको चोट लगी हुई है, लेकिन मुंबई में वो थे और किसी एड की शूटिंग कर रहे थे। देखिए, अब ये क्रिकेटर्स को ऐसे इल्जाम तो लेने पड़ते हैं। मुझे याद है मैं जब पहली दफा हिंदुस्तान आया क्रिकेट टूर के साथ, तो मुझे यही रिब इंजरी हो गई और मैं अपनी तब सब पीक पे था, यानी कि जब अपनी सबसे तेज तरीन बॉलिंग कर रहा था, तो क्योंकि मैं खेल नहीं सका तो मेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगे कि जनाब ये रात पार्टीज कर रहा था, ये हिंदुस्तानी एक्ट्रेसेस के साथ इसके दोस्ती थी, ज़ीना तमान के साथ आपका नाम जुड़ा वगैरह वगैरह। तो उससे मुझे इतना मैं हैरान रह, खैर तब मैं, अब तो पॉलिटिक्स में रह के अब इंसान को किसी किस्म की तनकीद का फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन उन दिनों में मैं अभी भी मैं हैरान रह गया जिस तरह की चीजें लिखी गई कि लोगों ने कहा हमने खुद उसे पार्टी पे देखा, सुबह के 5 बजे तक जागा हुआ था, शराब पी रहा था, हालांकि मैंने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी। तो इस तरह के इल्जाम लगते हैं, स्पोर्ट्समैन को फेस करना पड़ता है। आप जब अच्छा करते हैं
सारी आप जाए रात सारी रात जागे रहें पार्टीज करें वो सब कुछ भूल जाता है लोगों को। जब आप बुरा करते हैं आपने चाहे कोई गलत काम किया हो या ना किया हो वो इल्जाम लग जाते हैं। ये स्पोर्ट्समैन को फेस करना पड़ता है। और जब इल्ज़ाम ऐसे लोगों से लगते हैं जो अपने साथी रहे हों अपने कुलीग रहे हों तब कैसा लगता है? कई दफ़ा इसका ये जो आपने मुझे अभी मैंने जावेद की किताब नहीं पढ़ी लेकिन ये जो आपने चीज़ें बताई हैं ज़ाहिर है इसका अफसोस होता है क्योंकि एक आपके साथ कोलीग 15-17 साल क्रिकेट खेलता है और वो इस तरह की छोटी बातें लिखता है तो इसका तकलीफ होती है लेकिन खैर इंसान को एक्सेप्ट करना पड़ता है। हर इंसान की अपनी सोच है। एक और आपके साथी रहे सरफराज नवाज, वो तो लगातार आप पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। उसकी देखिए एक कुरान शरीफ में एक आयत है हमारी किताब जो है मुसलमानों की उसमें आयत है कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा किया यानी कि सब मखलूक से अजीम लेकिन जब वो इंसान गिरता है तो वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। ये जानवरों से नीचे चला गया सरफराज नवाज, इसके लिए ऊपर मैं नहीं आगे बात करता। दो उन्होंने हाल ही में इल्ज़ाम तो वो आपके ऊपर 10 साल से लगा रहे हैं लेकिन हाल में उन्होंने दो इल्ज़ाम लगाए हैं जिनका जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जितना पैसा आपने हॉस्पिटल के लिए इकट्ठा किया उसमें से 10 हॉस्पिटल बन सकते थे, आपने बनाया एक और 9 का गायब। इसका मतलब ये अपना जहन जो इसका है ना वो बता रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे इकट्ठे करता है इसने 10वां हिस्सा हॉस्पिटल में लगाना था बाकी खुद रख लेना था। वो आपने वो अंग्रेजी में एक्सप्रेशन सुना है ना कि इट टेक्स अ थीफ टू कैच अ थीफ, मतलब कि चोर की सोच चोर की तरह होती है तो वो अपनी तरह क्योंकि वो चोर की तरह सोच रहा होता है तो वो फिर उसकी मूव्स कर सकता है। तो ये अपनी सोच बता रहा है कि इसकी क्या सोच थी। एक और इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा कि आपने जो हॉस्पिटल बनाया ये इसलिए बनाया कि जो ज्यूइश फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो आपके फॉर्मर इन लॉज की कंपनीज हैं वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती थी कैंसर की दवाएं बनाने के लिए, वो इंसानों पर वो एक्सपेरिमेंट हो और वो आपके हॉस्पिटल में हो इसलिए इस हॉस्पिटल पर इतना पैसा खर्च किया गया। मैंने कहा ना कि जानवरों की सतह से नीचे जा चुका इसके ऊपर अब आप इसके लिए कोई ये अंग्रेजी में कहते हैं ना गॉन केस है, इसके ऊपर आगे कोई बात ना करें क्योंकि ये बेवकूफ आदमी है और बेवकूफ के अलावा इसमें ये बदनीयत आदमी है। ये बात क्रिकेट की थी इमरान साहब, सियासत में आपने क्या क्या किया उसको लेकर के हमारे पास इल्जाम है, इमरान खान से सफाई मांगेंगे एक ब्रेक के बाद। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं तहरीके इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम इमरान खान पर। आपकी अदालत में इमरान खान पर इल्जाम है कि ये सियासत में फेल हो गए। इमरान साहब, जब आप हॉस्पिटल के लिए पैसा मांगने निकले थे तो बे इंतहा सपोर्ट मिली थी आपको, बच्चों ने, नौजवानों ने, बूढ़ों ने, माताओं ने बहुत सपोर्ट दी थी, बहुत पैसा दिया था। उस पैसे का इस्तेमाल किया आपने, हॉस्पिटल बनाया, बड़ा जहीन काम किया, लेकिन आपको गलतफहमी हो गई कि उस देश की जनता ने आपको अपना लीडर स्वीकार कर लिया। और फिर जब आपने पार्टी बनाई तो वो तहरीक इंसाफ के बदले वो तहरीक साफ पार्टी हो गई। देखें, मेरी जो यूनिवर्सिटी में डिग्री थी वो थी पॉलिटिक्स में, तो यानी कि मैं कोई इतना बेवकूफ या नाइव पॉलिटिशियन नहीं था कि जब मैं एक नहीं, जो आपकी डिग्री थी जब आपने पढ़ाई कर रहे थे वो मैंने स्टडी किया है, आपको सबसे कम नंबर मिले थे पॉलिटिकल साइंस में। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर से इसके ऊपर रिसर्च करें और जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिक्स के पेपर के अंदर मुझे ऑक्सफोर्ड के अंदर, ये आप याद रखें कि ऑक्सफोर्ड के अंदर सारे जहीन तरीन स्टूडेंट्स जाते थे, उसके अंदर मुझे टॉप सेकंड मिला था ऑक्सफोर्ड के अंदर। पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स का मुझे थर्ड सेकंड और इकोनॉमिक्स में थर्ड, इकोनॉमिक्स में कमजोर। देखें तो मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को जानता था कि एक आदमी जब एक एंटी स्टेटस को एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करने आया है तो क्या वो जो इतने पुराने मंजे हुए सियासतदान और सियासी जमातें बैठी थी क्या वो मुझे एकदम वजीर आजम उन्होंने बनने देना था? और क्या आप एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बगैर वजीर आजम बन सकते हैं? एक नई पार्टी आके
इस तरह स्वीप कर सकती है, तो मुझे कभी कोई गलत फहमी नहीं। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये पार्ट वन था, इसका पार्ट टू जो है ना वो हम कल लाएंगे। लेकिन इमरान खान जो है ना, मुझे पता नहीं क्यों शुरू से मुझे नहीं पसंद रहा, क्योंकि मुझे कुछ इसमें खासियत कभी नजर आई ही नहीं है। मतलब इसने ना 5-4 साल ही पाकिस्तान का रहा है वजीर आजम, लेकिन मुझे कोई भी मतलब होता है ना कामयाबी जो है नजर नहीं आई। आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे तो कुछ नहीं नजर आता है। मतलब 4 साल हम क्या किया इसमें? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। महंगाई क्या करके चला गया, डाल गया उन पर। मतलब महंगाई बहुत ज्यादा कर दी, कोई प्रोजेक्ट न्यू स्टार्ट नहीं किया, एक भी सड़क अगर आप बोले ना तो एक भी सड़क नहीं बनी इसके दौर में। हमारे यहाँ पे जितनी भी सड़कें बनती हैं ना वो नवाज शरीफ के दौर में ही, अभी भी अगर यहाँ पे कोई सड़क बन रही है तो वो उन्हीं के दौर में बन रही है। इसके दौर में हमारे इतनी देर तक सड़कें टूटी रही, कोई सड़क नहीं बनी, कोई मुझे तो कोई मतलब ऐसी चीज नजर काम ही नहीं किया। कर्जा ले लेके और ऊपर से इसका जो ये कैंसर का हॉस्पिटल बोलता है, उस जमाने में इसने 70 करोड़ रुपया, 70 करोड़, कोई बंदा उसे मारा जा नहीं सकता। मतलब कोई आप गरीब है ना, कोई बंदा सोचे कि मैं फ्री में इलाज, क्योंकि इसने तो बनाया इस वजह से ताकि गरीबों को हेल्प मिल सके, लेकिन वहाँ पे तो लाखों रुपए चार्ज करते हैं आप, बंदा गरीब जा ही नहीं सकते, इतना महंगा इसका हॉस्पिटल है। तो इससे हम क्या अंदाजा लगाएं कि ये कैसा एक लीडर है जो लोगों का सोचता ही नहीं है, जिसको सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। अभी तो फिलहाल जेल में है, लेकिन लोग इसके दीवाने इस वजह से हुए पड़ते हैं क्योंकि भाई इसने एक नहीं इसने लोगों एक अमेरिका में जाकर भाई एक न्यूज रिपोर्टर को बोल दिया था एब्सोल्युटली नॉट, मतलब इस तरह से एक वर्ड बोल दिया और लोग इसके पीछे, और ये इस्लाम के पढ़े वाले थे, हालांकि पॉलिटिक्स में इस्लाम का क्या काम है, लेकिन ये इस्लाम को लेकर उसमें चलता है और लोग इसके पीछे ऐसे जान तक अपने देने को कुर्बान है। यार इसको इतना पैसा लोग देते हैं, फंड बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या खासियत है, खासियत इस बंदे। और इसके बोल रहे मैंने कभी शराब नहीं पी, हालांकि हमारी मीडिया बताती है कि ये तो इसको तो 7 बजे के बाद कोई नशा हो जाता है, ये तो नशे बहुत ज्यादा करता है, हमें नशे करता है ना, शराबे पीता नशे करता है। लेकिन यार पाकिस्तानी वाम का लीडर है भाई, इसको वो एक लीडर मानते हैं, लेकिन क्या खासियत है? अगर किसी को पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं तो अभी तक एक भी खासियत नहीं जान पाई इनमें। क्रिकेट के लिहाज से मैंने कभी आज तक इनको देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है अपने जो बड़े हैं ना उनसे कि बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किया करते थे। क्रिकेट के लिहाज से ठीक है भाई, लेकिन क्रिकेट वाला एक मुल्क का भाई सियासतदान बन जाइए तो नहीं सुना हमने। तो पार्ट टू भी लेकर आएंगे, वीडियो कैसे लगी बताना, फिर मिलते हैं एक और वीडियो।